कहते हैं ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए प्यार के लिए जो व्यक्त किया गया है उसे भी भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो कुछ कहा गया है प्यार के बारे में, चाहे किसी भी भाषा में कहा जाए, लेकिन भाव संप्रेषित हो जाता है। तो मराठी का एक गीत है जिसमें दो लाइनें आती हैं जो मुझे बेहद पसंद है। वो गीत ही बहुत प्यारा है, लेकिन उसकी जो दो लाइनें हैं वो कहती हैं कि हाती धनुष्य जाचा त्याला कसे कळावे, हृदयात बाण जाचा त्यालाच दुःख ठावे। यानी कि जिसके हाथ में तीर कमान है उसे उसका दर्द कैसे समझ में आएगा, जिसको वो तीर जाकर लगेगा, जिसके दिल में वो जाकर तीर लगेगा उसे वो समझ में आएगा। कहने का अर्थ ये है कि जिस दिल में जो दर्द है वो उसी को समझ में आता है, जो उस दर्द का कारण है उसे वो दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। और जो दर्द सहन कर रहा है वो उस दर्द को क्यों सहन कर रहा है, उसकी उसके पास एक ठोस एक खास वजह है, और वो उस दर्द को सिर्फ उस वजह से सहन कर पाता है। प्यार में भी दर्द है, और प्यार का जो दर्द है वो बहुत मीठा दर्द है। वो दर्द जो हमें चाहिए, जो हमें लगता है कि होना चाहिए, वो दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द में आप खुश भी हैं, अच्छा भी लग रहा है। दर्द की भी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर फिदा है। ये प्यार के मामले में बिल्कुल सटीक बैठने वाली पंक्तियाँ हैं। प्यार का कुछ ऐसा हाल है कि उसमें दर्द मिले, तकलीफ मिले, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो वो सब कुछ सहन कर जाता है। रास्ते में आने वाली हर परेशानी, हर रुकावट, हर चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना प्यार का, इस पर सिर्फ चलने वाले जो लोग हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से इस पर चलने वाले लोग आपको मिलेंगे, और अगर मिल गए तो बस उन्हीं से पूछिए कि वो जो पाँव में छाले पड़ रहे हैं, जो कांटे चुभ रहे हैं, जो धूप लग रही है, वो इतनी अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को ये समझा रखा है, ये बहला रखा है कि ये जो गम है यही इस प्यार की दौलत है, और ये जो मंजिल है ये अंधेरी है, लेकिन फिर भी इस मंजिल का जो राही है ना वो रास्ते में ही लुट जाता है, लेकिन फिर भी इस रास्ते पर चलने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। इसीलिए सदियों से लोग इस रास्ते पर चलते चले आ रहे हैं, और आगे भी चलते चले जाएंगे। कुछ ऐसी तासीर है, कुछ ऐसी मिठास है, कुछ ऐसी कसक है, कुछ ऐसा आकर्षण है इस प्यार के रास्ते का। तो आज का जो ये गीत है ये लता जी ने गाया है, और ऐसा लगता है कि लता जी ने अपने आवाज़ की सारी मिठास इस दर्द भरे गीत में उंडेल कर रख दी है। इस गीत के शब्द लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन जी ने, और संगीत मदन मोहन जी का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाजवाब गीत है। तो ये आज का गीत सुनते हैं, और जो वाकई इस प्यार के मर्ज से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं उन लोगों को वाकई सलाम है, कि सिर्फ वही जानते हैं कि वो क्या हासिल कर रहे हैं इस दर्द में, इस तकलीफ़ में, इस कसर में, इस प्यार में।